वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सूजी आलू बॉल्स। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, तो ज़रूर आप इसे घर पर ट्राई करें। और अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले हम गैस पर बर्तन में 2.5 कप पानी लेंगे। इसमें हम 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब हमने ये 1 कप सूजी ली है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए, 1 कप सूजी में हमने 2.5 कप पानी का यूज किया है और दोनों की क्वांटिटी हमने 1 ही कप से ली है। अब हमें मीडियम फ्लेम पर सूजी को पकाना है इस तरीके से चलाते हुए। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसमें पानी सूख चुका है। तो अब हमने गैस की फ्लेम को लो पे कर दिया है और लो पे हम इसे पकाएंगे। तो देखिए, सूजी में बिल्कुल हमारा पानी एकदम अच्छे से सूख चुका है और देख सकते हैं आप कढ़ाई में से भी ये अलग होने लगी है। कढ़ाई ने सूजी को अलग कर दिया है, तो बिल्कुल इस तरीके से हो जाना चाहिए। तो इसे हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ढक देंगे। अब एक बर्तन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। अब इसमें हम थोड़े से साबुत धनिया ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा, 2 चुटकी हींग, 1/4 टीस्पून सौंफ, 1 फाइन चॉप के हुए प्याज, कटी हुई हरी मिर्च। अभी हमने थोड़े से ड्राई करी पत्ता लिए हैं, इसे हम क्रश करके इसमें डालेंगे। आप चाहे तो फ्रेश करी पत्ता भी ले सकते हैं। तो इसे हमें थोड़ा फ्राई करना है प्याज को सॉफ्ट होने तक। तो प्याज इसमें हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, तो 1/4 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और देखिए, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ सेकंड इसे चला लेंगे। अब इसमें हम ये हमने 2 उबले हुए आलू को मैश कर लिया है, वो ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें हम 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और इसकी जगह पे आप नींबू के जूस का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, फ्रेश धनिया ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, गैस हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब जो हमारा सूजी का मिक्सचर है उसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसे हमें हाथों से अच्छे से मसलना है। और देखिए, सूजी का जो मिक्सचर है हमारा वो थोड़ा गर्म ही होना चाहिए जब हमें इसे मसलना है तब। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जिससे कि हाथ जल जाए, इतना गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हल्का सा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाना चाहिए। तो देखिए, सूजी को हमने अच्छे से मसल लिया है और ये सूजी हमारे बिल्कुल अच्छे से इसमें गल चुकी है और एकदम ये देख सकते हैं आप एकदम डो की तरह हो चुका है ये। तो इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हम इसमें। तो देखिए, ये बिल्कुल हमारे डो की तरह तैयार हो गया। तो देखिए, जो हमारे आलू की फिलिंग थी वो ठंडी हो चुकी है, तो उसके हमें गोले रेडी करने हैं। तो देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे गोले बना लेंगे। अब जो हमारा सूजी का ये डो है उसमें से हम थोड़ा सा लेंगे। देखिए, इस तरीके से हाथों से करना है। अब जो हमने आलू के फिलिंग की गोली बनाई है उसे हम इसके अंदर डालेंगे और इसे कवर कर लेंगे, गोल कर देंगे।
तो देखिए ये बोल हमारा रेडी है, बहुत ही आसान है इसे बनाना, सारे इसी तरीके से बनाने हैं। अब हमने कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है, ऑयल हमारा बिल्कुल मीडियम गरम है, तो इसमें जो हमारे बॉल्स है उसे हमें डालना है। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, एक साइड थोड़ा फ्राई होने देंगे, इसके बाद इसे पलटेंगे, एक साइड से थोड़ा फ्राई होने पर इसे पलटेंगे, और इसे हमें पलटते हुए फ्राई करना है गोल्डन होने तक। तो ध्यान रखें गैस के फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखना है। तो देखिए ये बॉल्स हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और बाकी जो हमारे बचे हुए बॉल्स हैं उसे भी इसी तरीके से हमें मीडियम फ्लेम पर गोल्डन फ्राई करना है। तो लीजिए हमारे बहुत ही टेस्टी सूजी आलू बॉल्स सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। एक आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कि अंदर से कितने अच्छे तरीके से फ्राई हुए। तो देखिए कितने अच्छे से अंदर तक फ्राई हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ज़रूर आप इसे एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमीदास किचन को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट भी हमें सकते हैं। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।